हेलो बच्चों, क्लास 12th के मैथ्स में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग पिछले वीडियो में आप लोगों को हम बता दिए प्रश्नावली 2.1 बता दिए थे, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमको सिद्ध करना है थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें हम लोग राइट हैंड साइड ले रहे हैं, बड़ा वाला लेकर के छोटा वाला ला रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, साइन वर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू है ना। तो हम लोग मान लेंगे, माना एक्स बराबर क्या मान लें, हम लोग साइन थीटा मान लें। जब साइन थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए लिखते हैं अब हम लोग, तो साइन इनवर्स हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, ठीक ना। अब देखिए, आप जानते हैं कि थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन थीटा का सूत्र होता है साइन थ्री थीटा, होता है ना। ये हो जाएगा साइन थ्री थीटा, ठीक। अब एक और फॉर्मूला होता है साइन और साइन थीटा और थीटा, ये साइन और यानी हो जाएगा हमारा थ्री थीटा, हो जाएगा ना। अब हम लोग थ्री और थीटा का मान यहाँ से उठा कर रख देंगे, साइन इनवर्स क्या, साइन इनवर्स एक्स। देखिए प्रूफ हो गया ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है। कह रहा है कि थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, ठीक है। तो चलिए, इसमें भी हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के हल करेंगे, ठीक ना। राइट हैंड साइड क्या है, कॉस इनवर्स है फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, ठीक ना। तो यहाँ भी एक्स बराबर कॉस थीटा लेंगे, क्या लेंगे, कॉस थीटा, ठीक ना। क्योंकि कॉस से पता है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलिए रख दीजिए, तो कॉस इनवर्स फोर cos θ माइनस थ्री cos थीटा, ठीक ना। अब ये फॉर्मूला होता है जानते हैं, फोर cos क्यू थीटा माइनस थ्री cos थीटा का होता है cos थ्री थीटा, ठीक ना। ये हो जाएगा cos इनवर्स cos थ्री थीटा हो जाएगा। अब ये cos इनवर्स cos थीटा और थीटा हो जाएगा यानी थ्री थीटा, फिर यहाँ से थीटा का मान रख देंगे तो थ्री cos इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स टू अपॉन इलेवन प्लस टेन इनवर्स सेवन अपॉन 24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, ठीक ना। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24, ठीक ना। एक फार्मूला आपको हम बताए थे कि टेन इनवर्स होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 - xy, बताए थे एक फार्मूला, इसी फार्मूले पे लगेगा, ठीक है ना। इसमें लगा दीजिए, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, 2/11 प्लस 7/24 अपान हो जाएगा 1 - 2/11 into 7/24, ठीक है ना। चलिए इसको कर लिया जाए, इसको तिरे गुणा कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो जब तिरे गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 125/264 गुणे ये हो जाएगा 250/264, ठीक है ना। ये
ये कट जाएगा ठीक ना, इसको कटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा ठीक ना, यानी प्रूफ हो गया। ठीक है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि हमको सिद्ध करना है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 31/70। ठीक है ना, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, टू टेन थीटा एक सूत्र होता है, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है क्या, टेन इनवर्स 2x/(1 − x²)। आप लोग बताया गया था प्रगुण में, ठीक है ना। तो चलिए फॉर्मूला इस पे ये फॉर्मूला लगेगा, तो लगा दीजिए, यानी हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 2 × 1/2 1 − 1/2 का स्क्वायर ठीक ना, फिर प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है चलिए इसको लगाइए, टेन इनवर्स ये हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, 1/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 3/4 4, यानी 4/7 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे आप लोग तो ये टू से टू कट गया, ये 4 होगा, 4 में से 3 1 घटेगा 3 3/4 यानी 4/3 हो जाएगा प्लस, ठीक है टेन इनवर्स 1/7। अब एक फॉर्मूला आपको बताया है, पिछले 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 क्वेश्चन में था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन वाई बराबर, ये इसी फॉर्मूला को लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 + 1/7 / 1 − 4/3 × 1/7। अब इसको हम हल करेंगे, जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, देखिए 7 × 28 होगा, 28 और 3 31 हो जाएगा, बट्टे 7 × 21 हो जाएगा, फिर इसका होगा 7 × 21 21 यानी हो जाएगा 21 में से 4 घटाएंगे तो 21 में से 4 घटाएंगे 17 हो जाएगा, 17/21 21 से 21 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा जो प्रूफ करना है, टेन इनवर्स 31/17 हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया ठीक है ना, प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब देखते हैं देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, नहीं सरलतम रूप में ज्ञात करना है ठीक ना, पांचवा क्वेश्चन क्या है, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, यानी टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x², ठीक है −1/x, ठीक है ये आपका इसका मान ज्ञात करना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है ठीक है। तो देखिए सरलतम रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, चलिए देखिए हम लोग मान लेंगे ठीक है, माना x = tan θ ठीक है, क्योंकि 1 + tan²θ और sec²θ होता है, तो यहाँ पे tan θ मान लेंगे ठीक है, अगर 1 माइनस होता तो sin θ या cos θ मानते, और यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स क्या एक्स हो जाएगा। अब रख दीजिए इसमें तो बताइए टेन इनवर्स वन कड़ी में 1 प्लस ठीक ना tan² यानी 1 + x²/(x−1) ठीक ना, इसको हम लिखेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + tan²θ − 1/3
टेन थीटा। इसको हल करिए, चलिए हल करेंगे हम लोग। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा, कड़ी हटाएंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, बताइए। सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा -1/10 थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, लिख सकते हैं ना। तो 1/cos थीटा करेंगे, अब जब इसको हल करेंगे तो 1 -cos थीटा बटे हो जाएगा cos, 1 - cos थीटा बटे cos थीटा, इसका हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक ना, अब ये देखिए कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक, अब जब कॉस थीटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा बटे क्या साइन थीटा। अब ये फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 11th में चाहे 10th में था, ठीक है ना। एक फुल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कॉस थीटा का होता है 1 - 2 sin² थीटा होता है, और sin² थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ये θ/2 हो जाएगा, और साइन थीटा का होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2 होता है। ठीक ना, रख दीजिए, चलिए इसी सूत्र दोनों को रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस, ठीक ना, 1 - 2 sin² θ/2 / 2 sin θ/2 × cos θ/2। ठीक है, समझ आ रहा था। अब देखिए टेन इनवर्स, अभी माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो माइनस वन होगा, ठीक ना, तो -1 से 1 कट जाएगा, ये +2 2 sin² θ/2 बटे हो जाएगा 2 sin θ/2 × cos θ/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एगो साइन से साइन कट जाएगा, एगो साइन थीटा बटे टू, एगो कास थीटा बटे टू, साइन बटे कास टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। अब बताइए ये टेन टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बाई टू हो जाएगा। अब 1/2 को कॉमन ले लीजिए, या थीटा का मान यहाँ से उठा के रख देंगे तो थीटा का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि टेन इनवर्स 1/√ x² - 1, ठीक ना, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, हम इसको x² - 1 है ना, यहाँ पे sec sec अगर थीटा मानते हैं तो sec² θ - 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर tan थीटा होता है, तो लिख दीजिए माना x = sec θ ना, तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x हो जाएगा ना, रखिए तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√x² - 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√x² यानी sec² θ - 1। ठीक ना, sec² θ - 1 का क्या होता है बताइए, तो होता है 1/sec² θ - 1, इसका sec² θ - 1 का टेन स्क्वायर होता है, और टेन स्क्वायर का हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है ना, अब टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। ठीक ना, अब बताइए यहाँ काट है, यहाँ टेन है, इसको टेन बदलना है, ठीक ना, काट को हम लिख सकते हैं टेन को टेन काट को लिख सकते हैं टेन 90 - θ यानी π/2 - θ लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब टेन इनवर्स टेन थीटा हो गया, तो टेन टेन थीटा थीटा यानी थीटा बचेगा, यानी क्या बचेगा π/2 - θ बचेगा। अब देखिए थीटा का मान यहाँ से उठाकर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा π/2 - sec
sec इनवर्स x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ये छठा क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है टैन इनवर्स अंडर रूट में वन माइनस कॉस एक्स बटे वन माइनस कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एक फॉर्मूला आपको हम बताए थे, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, इस वन को कटाना है तो कास्ट चार्ट कैसा फॉर्मूला रखे, कैसा रखे सूत्र की वन कट जाए, ठीक ना। तो एक सूत्र आपको बता दें हम, कॉस थीटा जो है, कॉस एक्स का जो कॉस थीटा का सूत्र होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। एक और फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, ये दोनों फार्मूला, यानी ऊपर वाला वन को कटाने के लिए वाला फॉर्मूला रखेंगे, नीचे वाला वन को कटाने के लिए, क्योंकि नीचे प्लस वन है आपको माइनस वन चाहिए तभी तो कटेगा वन, यानी हमको नीचे वाला में फॉर्मूला लगाना लिखना पड़ेगा और ऊपर वाला में ये वाला। चलिए लिखिए, चलिए अंडर वन माइनस, ठीक ना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स एट एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक ना, अपान वन प्लस टू का स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ठीक ना। अब बताइए ये माइनस वन का गुणा होगा जब अंदर, तो माइनस वन ये प्लस हो जाएगा, वन से वन कट जाएगा, टू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक ना। नीचे ये वन से वन कट जाएगा, जब वन से वन कटेगा तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक ना। ये टू से टू कट जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, और टेन स्क्वायर का कर्णी जब हटाएंगे तो वो टेन हो जाएगा, ठीक ना, यानी टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। अब बताइए टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होता है, यानी एक्स बाई टू हो जाएगा आंसर, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया, इसको इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। टेन इनवर्स कॉस एफ प्लस साइन एफ बटे में कौन है, ऊपर माइनस है, कॉस एफ प्लस साइन एफ, चलिए इसका मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको टेन के पदों उनको व्यक्त करना है, ठीक है। तो टेन के पदों में लाने के लिए साइन बटे कॉस होता है, यानी इस साइन को कॉस से भाग देना पड़ेगा, यहाँ भी कॉस से भाग देना पड़ेगा, यहाँ भी कॉस से, यहाँ भी, जब हम कॉस से भाग देंगे यहाँ वन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन बटे कॉस, क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे हो जाएगा वन प्लस साइन बटे कॉस, क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग टेन के पदों में करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, लिख सकते हैं ना, माइनस टेन एक्स लिख सकते हैं, बटे वन प्लस टेन पाई बाई फोर, टेन पाई फोर का मान वन होता है, इंटू टेन एक्स, ठीक है। अब देखिए फार्मूला बन गया, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, टेन ए माइनस टेन, टेन ए माइनस बी का होता है टेन ए माइनस टेन बी अपन वन प्लस टेन ए टेन बी, वही फार्मूला है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए टेन से टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होता है, तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, देखते हैं, कह रहा है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर है ना। चलिए चलिए रख दिया जाए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस है एक्स स्क्वायर, यानी या तो साइन रखना पड़ेगा तो कॉस रखना पड़ेगा। चलिए कुछ भी रख दीजिए, साइन रख दीजिए चाहे कॉस रख दीजिए, ठीक ना। चलिए हम एक्स बराबर साइन ए साइन ए है तो एक और लेना पड़ेगा, ए साइन थीटा लिख दे रहा है, ठीक ना। तो बताइए एक्स बराबर ए साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा ये एक्स बाई ए हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। अब देखिए अब मान लीजिए ए साइन थीटा बटे में अंडर रूट, ठीक ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए ए साइन थीटा बट ए को कॉमन ले लेंगे, ए को कॉमन लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कर दम ये हो जाएगा टेन इनवर्स क्या टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। थीटा का मान रख दीजिए, अब थीटा का मान यहाँ से उठा कर रख दीजिए, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। दसवां कह रहा है कि टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस माइनस एक्स क्यू अपान ए स्क्वायर एक्स क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं, माना टेन, देखिए जो x है ना उसको हमको मानना पड़ेगा एक टेन थीटा, ठीक ना, क्योंकि ये फार्मूला बनेगा टेन थ्री थीटा का, ठीक है। तो लिखिए माना x बराबर ए टेन थीटा, जब ए टेन थीटा मानेंगे तो ये x यानी ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर x बाई ए हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x बाई ए, ठीक। चलिए तब हम लोग रखते हैं थ्री ए स्क्वायर, ठीक ना, थ्री इंटू ए टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा हो जाएगा, क्यों अपान ए क्यू माइनस थ्री ए इंटू ए टेन यानी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखिए ए का गुणा ए क्यू ए ए स्क्वायर होगा, तो ए क्यू यहाँ भी ए क्यू यहाँ भी ए क्यू यहाँ भी ए क्यू यहाँ भी ए क्यू को बाहर कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ बचेगा थ्री टेन थीटा, ठीक है, माइनस टेन क्यू थीटा, ठीक, बटे में यहाँ भी ए क्यू कॉमन कर लीजिए, यहाँ वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, जब कटा देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपान वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अभी आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि टेन थ्री थीटा ना जो फार्मूला होता है टेन थ्री थीटा वाला होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो यहाँ टेन थ्री थीटा रख देंगे, जब जब टेन थ्री थीटा रखेंगे तो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा हो जाएगा, और जब टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा हो जाएगा थ्री थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा का मान यहाँ से उठाकर रख दीजिए तो थ्री हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आज
का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।